कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। दोनों की कॉमन लैंग्वेज नहीं है इसलिए उनकी बात सिरे नहीं चढ़ रही है। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। तेरी और मेरी प्रॉब्लम सेम, इस उम्र में न्यू लैंग्वेज नो नीड। तो ये कम्युनिकेशन के लिए चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉमन लैंग्वेज। कि कोई गूंगा आदमी है, ठीक है, गूंगा आदमी बात करेगा, देखो सुनने वाला भी तैयार है, बीच में हुआ भी है, और लेकिन आदमी जो है गूंगा है तो बातचीत नहीं हो पाओगी। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ ख़राब होगी तो बातचीत नहीं हो पाओगी। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत। दूसरा, ये भी टनाटन है, ये भी सब टनाटन हैं, लेकिन ये बहरा है तो अभी बातचीत नहीं हो पाओगी। और सीन नंबर 3 कि ये भी टनाटन है, कान भी टनाटन हैं, लेकिन ये आदमी जो बोल रहा है बीच में एयर नहीं है, एयर नहीं है कि मतलब जैसे गाड़ी के अंदर बैठ के सारा शीशा बंद कर रखा है और रास्ता पूछ रहा है अगले से, तो बीच में जो शीशा जो आया उसने उसकी हवा को काट दिया है, बीच में गैप हो गया। तो ये तीन चीज़ें बहुत ही कॉमन लैंग्वेज नहीं होगी तो बातचीत नहीं होगी। हमारा जो भारत देश है इसके अंदर अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु। तो हमारे जो हिंदी प्रदेश के नेता वहाँ पर जाते हैं तो उनको मान लो वो भाषा नहीं आती, तमिल भाषा नहीं आती है, तो वहाँ पर ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर का मतलब कि वो अपने हिंदी में बोलेगा तो उसको वो तमिल में कन्वर्ट करके आम जो पब्लिक बैठी है उसको बताएगा। वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर भी एक आदमी हो जाए, और ट्रांसलेटर जो आदमी होगा ना वो उस मेरी हिंदी को पहले तमिल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि बुद्धिमान है वो, उसको सारी भाषाएं आती है, और उसको फिर पब्लिक को बताएगा। Wherever he goes, a new promise. അദ്ദേഹം എവിടെ പോയാലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കും। बातचीत कैसे करी जाती है? बातचीत के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। बातचीत के लिए जैसे हम बातचीत करते हैं तो एक तो सुनने वाला के पास कान होना चाहिए, ठीक है, दूसरा जो बोलने वाला है उसके पास माउथ होना चाहिए, और नंबर 3 एयर होनी चाहिए। ये मुंह हो गया। तो बातचीत के लिए तीन चीज़ बहुत सख्त ज़रूरी है, और बीच में हवा होनी चाहिए, ठीक है। और एक चौथी चीज़ है, बातचीत जब होगी जो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। कॉमन लैंग्वेज का मतलब है, कॉमन लैंग्वेज मीन्स साथ जागी बोली। साथ जागी बोली कैसी होगी? कॉमन लैंग्वेज का मतलब जैसे अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा था कि जो शाहरुख खान है वो तो हिंदी में बात करता है और एक जो छोटा है वो सांकेतिक बात करता है, तो दोनों की कॉमन लैंग्वेज नहीं है इसलिए उनकी बात सिरे नहीं चढ़ रही है। अब सुन लो, मुँह ने के गया अगर अंग्रेजी में, मुँह ने साइंस की भाषा में गया करें ट्रांसमीटर, ठीक है। और ट्रांसमीटर अब थोड़ा सा साइंस की उसमें आ जाओ रोल में, ये है ट्रांसमीटर डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांसमीटर है, इसके अंदर साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। उसके बाद रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, जहाँ पे ये मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ पे हर फोन के अंदर या कोई डीजे लगा लो, कोई भी लगा लो, रिसीवर बोल दो या स्पीकर बोल दो, एक ही बात है। तो ये जो स्पीकर है हमारे, यहाँ से आवाज़ आएगी, यहाँ से हम सुनेंगे, ये स्पीकर है, किसी की कोई भी बात करेगा तो मैं यहाँ पे सुनूंगा उसकी बात को, और यहाँ से मैं बोल लूँगा उसको। और नंबर 3 है चैनल। चैनल का मतलब है माध्यम, मीडियम। माध्यम हो गया, मीडियम हो गया, इसका रोल कौन कर सकते हैं भाई? देखो साउंड जो होती है, मान लो ये इनकी ज़रूरत नहीं हो, वैसे दो आदमी बात कर रहे हो तो उनको इनकी ज़रूरत नहीं है, वो तो हम सीधे, उनके लिए इन तीन चीज़ें ज़रूरत है। इन में से एक भी चीज़ गड़बड़ होगी,
इनमें से अगर एक भी चीज़ गड़बड़ होगी तो बातचीत नहीं हो पाओगी। जैसे फॉर एग्जांपल यूनू मान के चल रहा हूँ, ज़रूरी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, पेपर के अंदर हमारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो बुक्स लिखती है, तीन बेसिक एलिमेंट होते हैं, इनके बिना बात नहीं बनती है। ट्रांसमीटर जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस तार के थ्रू इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होकर कहाँ पे जाती है, वो आगे जाती है रिसीवर में। रिसीवर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, और चैनल का पता चल गया। इसमें रेडियो वेव भी होती है, जैसे मैं अभी कहीं पे फ़ोन मिलाऊँ तो जो बात होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सहायता से होगी, ना कि इन तारों की वजह से होगी। जैसे कोई एक डेमो करते हैं, और यहाँ से जो मैं बोलूँगा ये मुँह का मतलब ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर यहाँ लगता है, रिसीवर का मतलब यहाँ पे आ जाएगा। देखते हैं क्या बात हो पाएगी। अब वायर के थ्रू बात नहीं हो रही है, अब जो बात होगी वो रेडियो वेव के थ्रू होगी। तो देखो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ ट्रांसमीटर यहाँ पे है, और वो जो सर बोल रहे हैं उनकी आवाज़ जो है वो उधर से सुनेगी। हाँ सर, कर्ण सर। हाँ जी, बोलो सर। अरे भाई लाइट आ रही है के? हाँ जी, लाइट आ रही है साहब। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स आपने सुना ऐसे बातें होती है। हाँ जी, लाइट आ रही है जी। ओके, धन्यवाद। ठीक है साहब, ओके। तो ऐसे अब इसके अंदर तार की ज़रूरत नहीं थी, अब किस चीज़ की ज़रूरत थी, रेडियो वेव्स की, जो बताया था जैसे इंडियन घोड़ का रथ, रथ के अंदर कितना घोड़ा, उसे सात है, जिसमें मतलब छः ना दिखे, तो उनमें मतलब एक ना दिखने वाला हम रेडियो वेव भी है। तो रेडियो वेव की सहायता से हम ऐसे बात करते हैं फ़ोन के अंदर। और वायर की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब जैसे हम कोई प्रेयर के अंदर अपना माइक लगाते हैं, वहाँ पर स्पीकर लगाते हैं, वो पड़ती है। एयर की जरूरत जब दो आदमी बात कर रहे हो। उसके बाद आता है कि कम्युनिकेशन कितनी प्रकार की होती है। कम्युनिकेशन दो प्रकार की होगी, एक होगी पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब एक ही बोलने वाला और एक सुनने वाला, एक बोलने वाला एक सुनने वाला, यानी कि दो दो कोई फ्रेंड आपस में बैठ के बात कर रहे किसी पार्क के अंदर, और वो उसको समझा रहा है, वो उसको समझा रहा है, वो उसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और एक होता है डियर स्टूडेंट ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या होती है, ब्रॉड का मतलब चौड़ा, कास्ट कि बोलने वाला होगा एक, बोलने वाला होगा एक, और उसको सुनने वाले होंगे लाखों, जैसे रेडियो के ऊपर, जैसे रेडियो के ऊपर मोदी जी की मन की बात प्रोग्राम, उसको हम बोलेंगे ब्रॉडकास्ट कि मोदी जी तो एक जगह बैठ के बोल रहे हैं और पूरा भारत उसको सुनता है ध्यान से, तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और ये आता है पेपर के अंदर, इसका ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाओ। ब्लॉक का मतलब टुकड़ा, देखो लकड़ी को ब्लॉक ठक लो, तो इसलिए इसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में। ये तो वह बता दो कैसे बात होती है, ट्रांसमीटर हो गया, चैनल होना ज़रूरी है, रिसीवर होना ज़रूरी है, आउटपुट मिल जाएगी, कॉमन लैंग्वेज समझ में आई गई होगी बात। तो डियर स्टूडेंट्स तैयार करो, ये दो नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।